So today we are beginning with our third book of elective English, that is English Reader. Okay. The first chapter, The Young Akbar. We are beginning with this chapter. Now, Akbar is a very renowned, very celebrated, famous Mughal ruler, and he reigned from 1542 to 1605. Okay, and now let us begin with the chapter. Akbar was only a boy of 13 when he succeeded his father, Emperor Humayun. So, Emperor Humayun, jo Akbar ke father the beta, unke baad अकबर ने सिर्फ 13 साल की एज में ही अपने फादर को सक्सीड कर लिया था. सक्सीड मींस उनका शासन जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया था. ठीक है. एंड ही बिकेम द एम्परर, द किंग. हिज मिनिस्टर्स डिड नॉट फाइंड हिम इंटरेस्टेड इन स्टेट अफेयर्स. तो जो मंत्री थे अकबर के, उनको नहीं लगता था कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है स्टेट अफेयर्स. मीन्स जो राज्य के जो काम होते हैं, जो राजा के काम होते हैं, he was not very much into those affairs, those works. His teachers did not find him eager to learn to read and write. They found him interested only in going on hunting trips. Even पढ़ाई में भी वो बहुत ज्यादा eager नहीं होते थे. Eager means उत्सुक. He was not very curious child. He was not interested in studies, in reading or writing. तो सारा इंटरेस्ट उनका किन में होता, किस में होता था. ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन हंटिंग ट्रिप्स. शिकार बहुत पसंद करते थे. ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन स्पोर्ट्स ऑफ ऑल काइंड्स, समटाइम्स फॉर मोर देन अ फॉर्टनाइट इन अ मंथ. तो ज़्यादातर खेल कूद में, शिकार में टाइम बिताते थे. कई बार तो एक मंथ में फॉर्टनाइट क्या होता है, 15 डेज और सो. तो 15 दिन महीने में, मतलब 30 दिन में 15 दिन तो वो शिकार पे या फिर खेलने के लिए बाहर रहते थे राज्य से. बट ही केप्ट हिज आईज, अंडरलाइन दिस पोर्शन इज इम्पोर्टेंट, बट ही केप्ट हिज आईज एंड ईयर्स ओपन एंड ही हैड अ रिमार्केबल मेमोरी फॉर फैक्ट्स. लेकिन उनकी आंखें और कान खुले रहते थे, मतलब ही वॉज वेरी फोकस्ड. ऐसा नहीं है कि ही वॉज अवे फ्र�m द किंगडम, सो ही वॉज He did not pay heed towards the official work. ऐसा नहीं है कि वो बाहर रहते थे तो ध्यान नहीं देते थे राज्य की तरफ, नहीं. He used to pay attention and he had a remarkable memory. याददाश्त बहुत अच्छी थी, facts याद रहा करते थे. ठीक है. So yes, he was into sports and all. देखने में लगेगा जैसे मंत्रियों को लगता था कि वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसा था नहीं. The affairs of the state were under the care of underline Bairam Khan, who was Akbar's chief minister and commander in chief. तो Bairam Khan जो है, उन्होंने हुमायूं जो father थे अकबर के, उनको भी serve किया था. उनके भी general थे. ठीक है. And अकबर को भी serve किया, उनके commander in chief थे वो. All orders were given by Bairam Khan in Akbar's name. Now in Akbar's absentia, अब उनकी अनुपस्थिति में Bairam Khan ही सारे ऑर्डर्स दिया करते थे, जो भी कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होते थे. वन डे अकबर कॉल्ड अधम खान हिज फोस्टर ब्रदर एंड सेड, आई एम टायर्ड ऑफ लाइफ हियर ब्रदर, लेट अस गो ऑन अ हंटिंग ट्रिप. मैं तंग आ चुका हूँ इस बोरिंग यू नो रूटीन लाइफ से. उन्होंने अधम खान को बोला, अपने भाई को, लेट अस गो फॉर अ हंटिंग ट्रिप, चलो शिकार पे चलते हैं. दैट्स जस्ट व्हाट आई वाज अबाउट टू सजेस्ट माय सेल्फ. तो आदम ने कहा, मैं भी तो यही कहने वाला था. ओके, लेट अस गो. वी शैल लीव टुमारो मॉर्निंग, गेट द एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस रेडी बिफोर 6 o'clock. तो तैयारी रखना पूरी, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे, सुबह 6 बजे निकल जाएंगे. ओके, लेट मी जस्ट Now,
The procession of hunting party was about to start. Just the procession in of the hunting party was about to start. Now it is morning, and they are about to go on the trip. And just then, Bairam Khan asked, "How long does Your Majesty intend to be away?" तो बैरम खान जो कि पास ही खड़ा था अकबर और आजम खान के, तो बैरम खान ने पूछा कि कितना टाइम आपने सोचा है। इंटेंड मीन्स यू वांट, हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू बी अवे, कितना टाइम आप बाहर रहोगे योर मैजेस्टी। 10 days or perhaps a fortnight if necessary, 10 से 15 दिन। बट व्हाई डू यू वांट टू नो ऑल दिस, क्यों पूछ रहे हो तुम मुझे ये सब। While representatives from the two neighboring kingdoms arrive here next week to discuss certain important matters. कहता है कि पास ही के किंगडम से, पास ही के राज्यों से representatives आने वाले। representatives कौन होते हैं? Represent करना means saying things on behalf of someone। मतलब पास के जो हैं राजा, उनके कुछ मंत्री आने वाले हैं, मिनिस्टर्स आने वाले हैं यहाँ पे टू डिस्कस इम्पोर्टेंट मैटर। तो कुछ ही हफ्तों में, अगले हफ्ते में आ जाएंगे, कुछ ही दिन में आ जाएंगे वो। तो आई थिंक यू शुड बी हियर, यू कैन डील विद देम योरसेल्फ, कांट यू। तो वो तो तुम भी कर सकते हो, अकबर ने बोला। यू कैन डिस्कस एवरीथिंग विद देम, बट इफ नेसेसरी लेट देम वेट टिल आई रिटर्न, सेड अकबर। तो अगर मेरी जरूरत हुई तो उनको बोलना थोड़ा वेट कर ले, ठीक है, एंड वी विल रिजॉल्व द मैटर। द प्रोसेशन स्टार्टेड एंड वो सून आउट ऑफ साइट। तो प्रोसेशन जल्दी ही चल पड़ा, और देखते ही देखते वो काफिला जो था वो आंखों से ओझल हो गया, इट वेंट आउट ऑफ साइट। व्हेन द हंटिंग वाज कमिंग टू एन एंड, आदम खान फाउंड अ सूटेबल अपॉर्चुनिटी टू अप्रोच द एम्परर एंड टॉक टू हिम। तो जब हंटिंग ट्रिप खत्म हो गई तो आदम खान ने आदम वांटेड टू टॉक टू अकबर, एंड उसने एक मौका देके बात की एम्परर से, राजा से। ब्रदर, देर इज समथिंग विच फिल्स माई माइंड विद एंग्जाइटी एंड विच आई विश टू डिस्कस विद यू। सो अधम ने बड़े प्यार से, अफेक्शन मीन्स लव, विद ग्रेट लव ही सेड, एज ही रोड बिसाइड द एम्परर। वो चल रहे थे, एंड सॉरी दे वर राइडिंग, मतलब मे बी दे वर राइडिंग हॉर्सेस। तो तभी उसने अपने भाई से बात की कि एक बात है जो कि मेरे माइंड को, जो मेरे दिमाग को एंग्जाइटी से, टेंशन से भर देती है। आई रियली वॉन्ट टू डिस्कस दिस विद यू, मुझे बताओ भाई क्या बात है। अकबर ने बोला, आई सस्पेक्ट द कंडक्ट एंड इंटेंशंस ऑफ योर चीफ मिनिस्टर। तो आदम ने कहा कि बैरम खान जो तुम्हारा कमांडर इन चीफ है, चीफ मिनिस्टर है, मुझे उसकी इंटेंशन, उसके इरादों पे एंड कंडक्ट, कंडक्ट होता है बिहेवियर, उसके बिहेवियर से पे बहुत ज्यादा शक होता है। ही प्रिटेंड्स टू बी लॉयल बट ही इज फॉन्ड ऑफ पावर एंड परहैप्स इंटेंड्स टू सीज द किंगडम, वेरी इंपॉर्टेंट अंडरलाइन। तो क्या इल्जाम लगाए हैं आदम ने बैरम खान पे? आदम खान उसका भाई है अकबर का, ठीक है, बैरम खान उसका चीफ मिनिस्टर है, जो कि बहुत पुराना मिनिस्टर है और बहुत ही ज्यादा हाई पोस्ट पे है। उस पर उसने इल्जाम लगाया है कि वो दिखाता है कि वो लॉयल है, बहुत ज्यादा ईमानदार है, लेकिन ही इज फॉन्ड ऑफ पावर, लेकिन उसको पावर से बहुत प्यार है। एंड शायद ही वॉन्ट्स टू सीज द किंगडम। सीज मीन्स हथियार लेना, एक्वायर। इंटेंड मीन्स चाहता है, वॉन्ट्स, मे बी वॉन्ट्स टू एक्वायर द किंगडम, ही वॉन्ट्स टू स्नैच द किंगडम फ्रॉम यू। दिस इज अ वेरी सीरियस चार्ज टू ब्रिंग अगेंस्ट हिम, सेड अकबर। डू यू हैव सम प्रूफ? तो कहता है, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो तुम बैरम खान पे। अकबर कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई वैलिड प्रूफ है? वेल, आई हैव प्लेंटी ऑफ प्रूफ, मेरे पास प्लेंटी मीन्स काफी सबूत है मेरे पास। ही कीप्स इन टच विद द रूलर्स ऑफ सम ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेंड्स देम मनी एंड आर्म्स रेगुलर।
कहते मेरे पास बिल्कुल सबूत है, आदम कहता है, एंड एक सबूत ये भी है कि वो आसपास के जो स्टेट्स एंड स्टेट्स के रूलर्स जो हैं, ठीक है, जो राजा हैं आसपास के जो किंगडम्स के, एक तो उनसे कंटिन्यूअसली टच में रहता है, उनसे बातचीत चलती रहती है उसकी किसी न किसी सस्पिशियस मैटर पे, एंड उनको रेगुलरली वो मनी भी, पैसे भी भेजता है एंड आर्म्स भी भेजता है। आर्म्स का मतलब क्या होता है? हथियार, ठीक है, सो वेपन्स भी उसको उनको सप्लाई करता है। दीज आर नथिंग बट रूमर्स, यू शुडंट बिलीव देम। तो ये तो अफवाहें भी हो सकती हैं, तुम्हें ऐसे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए अफवाहों पे, अकबर ने कहा। दे आर जस्ट रूमर्स योर मैजेस्टी, दे आर फैक्ट्स। तो दे आर नॉट जस्ट रूमर्स, पर वो फैक्ट्स हैं। वेल देन, वुड यू बी रेडी टू ब्रिंग योर चार्ज अगेंस्ट बैरम इन पब्लिक एट द दरबार? तो अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो क्या बैरम के सामने दरबार में ये बातें बोलने को तैयार हो? आई वुड इफ नेसेसरी, यस इफ यू वॉन्ट मी टू, आई वुड, आदम ने कहा। यस, अकबर रिटर्न टू द पैलेस नेक्स्ट डे। द मिनिस्टर एंड अदर ऑफिसर्स वर हैड असेंबल्ड इन द दरबार हॉल। बैरम खान वाज सिटिंग बिसाइड द एम्परर। तो अगले दिन दरबार सजा हुआ है, सब ऑफिशियल वहां पे बैठे हुए हैं, एंड अकबर भी वापस आ गया है। योर मैजेस्टी, मे अल्लाह गार्ड यू अगेंस्ट सम, ओके लेट मी जस्ट टेक दिस वन एज वेल। यूजुअली आई कीप पिक्स रेडी, बट टुडे वी डिडन्ट प्लान टू यू नो रिकॉर्ड। एनीवे, योर मिनिस्टर्स हू प्रिटेंड टू बी लॉयल, सेड आदम खान टू द एम्परर। सो आदम खान, जैसे कि प्लान हुआ ही था, तो उसने बोला दरबार में सबके सामने बोला कि मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर मिनिस्टर्स हू प्रिटेंड टू बी लॉयल। तो भगवान करें, अल्लाह करें कि आपको सलामत रखें आपके उन्हीं मिनिस्टर्स से जो कि कहते हैं कि वो लॉयल हैं, दिखाते हैं वो लॉयल हैं लेकिन है नहीं। हु डेयर्स टू मेक दिस चार्ज अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ माई मिनिस्टर, सेड द एम्परर। तो अकबर को पता तो है, लेकिन सबके सामने उन्होंने कहा कि किसकी इतनी हिम्मत है, कौन ये कह रहा है? आई डू योर मैजेस्टी, योर चीफ मिनिस्टर बैरम खान इज योर मैजेस्टीज मोस्ट डेंजरस एनिमी। तो आदम कहता है कि मैं लगा रहा हूँ ये इल्जाम, आपका जो मिनिस्टर ये जो है बैरम खान, ही इज योर मोस्ट डेंजरस एनिमी, सबसे बड़ा सबसे खतरनाक दुश्मन आपका यही है। एट दिस वर्ड्स अ सडन साइलेंस फेल अपॉन द ऑडियंस, एंड बैरम खान्स फेस टर्न्ड रेड विद एंगर। अब बैरम ऑब्वियसली नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसा कुछ, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, बिकॉज सारे दरबार के सामने उसकी इंसल्ट हो गई, सारे सब तरफ साइलेंस, चुप्पी थी। हाउ डेयर यू ब्रिंग दिस चार्ज अगेंस्ट माई चीफ मिनिस्टर, वट प्रूफ डू यू हैव ऑफ हिज दिस लॉयल्टीज, आस्क्ड द एम्परर। तो अकबर ने पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? आई हैव प्लेंटी ऑफ प्रूफ योर मैजेस्टी, ही इज रेगुलरली सेंडिंग, नाउ सेम थिंग ही रिपीटेड हियर ऑल्सो, दैट ये पैसे भी भेजता है एंड हथियार भी भेजता है। ही इंटेंड्स टू सीज योर किंगडम विद देयर हेल्प। तो उनके साथ मिलके ये आपका ये जो किंगडम है, आपका राज्य हथियार लेना चाहता है। शुड सच अ डिसलॉयल पर्सन लिव, ही शुड नॉट लिव, ही शुड डाई फॉर हिज डिसलॉयल्टी, शाउटेड सेवरल पर्सन फ्रॉम द ऑडियंस।